कानपुर में एक पिता अपने बच्चे को ये सोचकर एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले गया कि वहां पर उसको अच्छा इलाज मिल सकेगा, लेकिन इलाज तो दूर, वहां पर उसे बेड तक नसीब नहीं हुआ। पिता कंधे पर बच्चे को लेकर घूमता रहा, बच्चा वार्ड से लेकर इमरजेंसी तक, लेकिन आखिरकार इलाज के अभाव में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। कहां से लेकर आ रहा है उसको? पिता के कंधों पर सिस्टम की लाश, कानपुर के हैलट अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर। अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर, बेटे का शव लेकर भागता रहा पिता। कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैलट में पिता के कंधे पर 12 साल के अंश का शव है। कहां से लेकर आ रहे हैं उसको? पिता को उम्मीद थी कि शायद बेटे की सांसें चल रही हैं, उसे बचाया जा सकता है। यही सोचकर पिता उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गया। वहां से बच्चा वार्ड में भर्ती कराने को कहा गया। पिता ने स्ट्रेचर ढूंढा तो नहीं मिला। इमरजेंसी के बाहर हमेशा स्ट्रेचर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन पिता को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो मजबूरन बेटे को कंधे पर लेकर बच्चा वार्ड की ओर भागा। वहां डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद लाचार पिता दुनिया का सबसे बड़ा और तकलीफ देने वाला बोझ यानी बेटे का शव कंधे पर लेकर बाहर आ गया। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था? ये पढ़ने में कहाँ से लेकर आए? सबसे पहले ओडिशा के कालाहांडी से दीना मांझी का वीडियो सामने आया था। एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मजबूरन पत्नी को कंधे पर ले जाना पड़ा था। इसके बाद एमपी के दमोह में बस में महिला की मौत के बाद उसके पूरे परिवार को जबरन नीचे उतार दिया गया, और अब कानपुर में एक पिता को स्ट्रेचर न मिलने की वजह से बेटे के शव को कंधे पर लेकर भटकना पड़ा। सरकारें तरक्की के कितने ही सपने क्यों न दिखा लें, लेकिन जब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी तब तक हर सपना, हर तरक्की और हर दावा सिर्फ लाश की तरह बेजान नजर आएगा। रंजय सिंह, कानपुर आज तक।